हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपका जेकेएसएसबी मेंटर्स में। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए आप और रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर वीडियो लेक्चर्स आप पाएंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो आज जो आपके टॉपिक में लाया हूँ प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। आपके स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में भी, यानी कि जिसके 10 मार्क्स है उसमें भी आपका प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है, और आपके मैथमेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है। इसका मतलब आप मिनिमम आप मान के चल सकते हैं 2 से 4 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं कि इस सेक्शन से आएंगे। जो भी इस सेक्शन को मास्टर करेगा, और इस सेक्शन को मास्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको 2-4 मार्क्स जो है उसने वो अपनी जेब में डाल ही दिए। तो पहला क्वेश्चन, बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 रेड बॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक बैग बनाता हूँ मैं। ठीक है, 5 रेड बॉल्स प्लस कितना है एंड 5 व्हाइट बॉल्स 7 रेड बॉल्स। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन टू बी अ रेड और अ व्हाइट बॉल। देखिए, जब भी आपका और पड़ता है ना, और प्रोबेबिलिटी है, और का मतलब होता है प्लस, और इसका दूसरा मतलब होता है जब भी आपका यूनियन आता है ना, यूनियन जो आपका सिंबल आता है, जो सेट थ्योरी में इस्तेमाल होता है, उसका भी मतलब प्लस होता है। तो अब सीधे करेंगे, इसका आंसर सीधे बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग अ व्हाइट और यूनियन से लिखेंगे हम इसको, व्हाइट और रेड इज इक्वल टू। तो इसको क्या लिखते हैं हम एडिशन थ्योरम की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हमने यहां पे ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, तो हम यहां पे आर भी लिख सकते हैं और यहां पे आर भी लिख सकते हैं और व्हाइट भी लिख सकते हैं। तो इनको सीधे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपकी जो एडिशन थ्योरम है उसमें एक एडिशनल टर्म होती है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो टर्म्स एक ही साथ, क्योंकि आपको पता है अगर आप व्हाइट बॉल निकालेंगे तो रेड बॉल नहीं आएगी। देयर इज 0% चांस कि आप एक व्हाइट बॉल या रेड बॉल निकालेंगे वो व्हाइट दोनों होगी, सिर्फ एक होगी, और इन दोनों इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो इवेंट्स होते हैं जो कभी एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बॉल ड्रॉ करेंगे रैंडमली किसी बैग से या किसी आर्म से, तो वो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो रेड भी होगी और वो व्हाइट भी होगी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो है, तो मैंने ये मेंशन नहीं किया क्योंकि आपकी एडिशन थ्योरम का ये पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो व्हाइट बॉल्स कितनी है 5, तो आपके फेवरेबल इवेंट्स बनते हैं 5। टोटल बॉल्स कितनी है, 7 + 5 = 12, टोटल इवेंट्स आपके 12। तो मैंने आपको बताया जब और आएगा तो प्लस आएगा। तो रेड बॉल्स कितनी है, 7, फेवरेबल इवेंट 7, टोटल इवेंट 12, तो माइनस 0, मैं बराबर जा रहा हूं आपके। तो यहां पे देखिए, जब आपके देखिए इसका एलसीएम निकाल के सेम है, तो ऊपर वाला प्लस हो गया, 12 / 12 = 1 = 100%। तो आप आंसर्स देख लीजिए, यहाँ पे 5/2 ये भी नहीं है, 7/2 ये भी नहीं है, 1/2 ये भी नहीं है, नन है 1%। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, यहां पे जो कीवर्ड है एट लीस्ट, 1 हेड ऑन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इज। तो जब भी आपको ऐसे इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप पहले ये कर दीजिए, 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो कितने आपके 2 इवेंट्स बनते हैं, 2, कितने टाइम हमने टॉस किया, 2 टाइम किया इज इक्वल टू 4, यानी कि आपका सैंपल स्पेस, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 4। ठीक है, 2 कॉइन्स को 2-2 बार टॉस करेंगे कितना हो गया, 4 टोटल नंबर।
तो हमारा क्वेश्चन बोलता है एट लीस्ट, इसका मतलब क्या होता है एट लीस्ट? एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, दो हेड भी हो सकते हैं, तीन भी, क्योंकि हमारे दो ही है यहाँ पे, तो दो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिस्टिंग करेंगे कि कौन कौन सा जो है हेड प्रोबेबिलिटी, हम टोटल इवेंट्स बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपका पहला आपका आएगा हेड हेड, दूसरा आपका आएगा हेड टेल, तीसरा आपका आएगा टेल टेल, चौथा आपका आएगा टेल हेड, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेट, ये हम सेट इस डिनोटेशन कनोटेशन डिनोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से। तो आप देखिए एटलीस्ट वन हेड, इसमें हेड आ रहा है, ठीक है आ रहा है, वो हो गया एक, इसमें हेड आ रहा है, दो हेड आ रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्वेश्चन बोलता है एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, ऊपर वाले लिमिट मतलब जो कितने जितने भी होंगे हेड होंगे उससे हमें मतलब नहीं, एक होना ही होना चाहिए मिनिमम। दूसरे में भी हेड है, हो गए दो इवेंट्स फेवरेबल इवेंट्स, तीसरे में हेड है नहीं, चौथे में हेड है हाँ है, इसका मतलब आपके तीन फेवरेबल इवेंट्स है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू आपके फेवरेबल इवेंट कितने बने, थ्री डिवाइड बाई टोटल ऑफ इवेंट कितने हैं, फोर डिवाइड बाई फोर इज इक्वल थ्री डिवाइड बाई फोर। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन थ्री, थ्री डिवाइड बाई फोर, डन। द प्रोबेबिलिटी आपका तीसरा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, यहां पे देखिए कीवर्ड है आपका वन हेड ऑन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, दो बार हमने टॉस को कॉइन को टॉस किया, तो ये बता रहा है एट मोस्ट। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका दूसरा क्वेश्चन, वहां पर लिखा था एट लीस्ट, यानी कि अगर दो भी होंगे हेड वो चलेंगे, वो भी काउंट होंगे आपके फेवरेबल इवेंट्स में, लेकिन यहां पे बोल रहा है एट मोस्ट, यानी कि सिर्फ एक हेड होना चाहिए तब जाके वो काउंट होगा आपके फेवरेबल इवेंट्स में। तो हम निकालते हैं यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स आपके कितने टोटल, पहले हम सैंपल स्पेस यानी कि आपके टोटल इवेंट्स निकालते हैं कितना है, इसमें भी यही बनेगा हेड 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 टेल 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 हेड, ये आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अब बोलता है यहां पे तो प्रॉब्लम एट मोस्ट वन हेड, इसमें वन हेड है नहीं है, इसमें दो हेड है, ये नहीं काउंट होगा क्योंकि आपको लिमिट का बता रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए, एट मोस्ट एक हेड है हाँ बिल्कुल ये काउंट हो जाएगा, एक हेड है कोई नहीं, हेड है एक हाँ बिल्कुल एक ही हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितना है, यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, कितने फेवरेबल इवेंट्स निकले हमारे, एक और दो, टू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टू रेज पावर टू इज इक्वल फोर है ना, वन टू थ्री फोर, फोर इज इक्वल वन डिवाइड बाई टू, देयरफॉर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग एट ब्लू बॉल्स एंड ट्वेल्व येलो बॉल्स टू बी ब्लू और येलो, ब्लू एंड येलो सॉरी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको नोट लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंड है, आप देख लीजिए यहाँ पे एंड है, और प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, और इसको हम सेट सेट थ्योरी की डिनोमिनेशन में हम इसको इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, तो एक बैग है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, बैग में आठ आठ ब्लू बॉल्स हैं प्लस 12 येलो बॉल्स हैं। तो हम क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक बॉल हमने यहां से रैंडमली निकाली, बिना देखे निकाली ऐसे ही, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लू होने की, और बहुत इंपॉर्टेंट है येलो होने की, यहां पे और लिखता है, अगर यहां पे लिखा होता है और, यहां पे एंड लिखा है, और अगर लिखा होता तो प्लस आ जाता फॉर्मूला में, तो यहां पे इसका मतलब है हमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी यही बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन येलो
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, सिंपल, ठीक है। और ये भी ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ब्लू कितनी है, 8 फेवरेबल इवेंट्स 8 है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 8 और 12 20 है ना, बैग में 20 बॉल्स है ना, 8 ब्लू है और 12 येलो है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या है, येलो कितनी है, 12 बॉल्स डिवाइड बाय 20, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो 4 टूज आर, 4 फाइव्स आर, 2 वन्स आर, 2 टेन्स आर, तो आपका बन गया 12 डिवाइड बाय 50, यानी कि आपका 2 से इसका कटेगा, 2 सिक्स आर, 2 25 आर, 6 बाय 25 आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है। ये देखिए, और ये देखिए आपका आंसर है सी। होप दैट क्लियर्स ऑल द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो कि आपके आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में पे मैं 5 लेक्चर्स ला रहा हूँ, 5 ये उसमें से पहला लेक्चर है। अब टेंशन मत लीजिए, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी, थियोरेटिकल पार्ट भी मैं इसका बताऊंगा। इसमें मैं 5 लेक्चर्स लाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आपका पहला लेक्चर है, बहुत ही फाउंडेशन लेक्चर है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6 ऑन द सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज, आपको बता रहे हैं एक डाइस है, डाइस एक क्यूब होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6। क्वेश्चन बताता है कि अगर हमने एक डाई रोल किया, एक क्यूब को रोल किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे से कोई एक नंबर निकल के आएगा जो 1 और 6 के दरमियान होगा, तो हम देखते हैं, ठीक है। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 6, तो हम पूरा जो है इसको सैंपल स्पेस लिखेंगे, टोटल इवेंट्स यहां पे लिखेंगे हम, टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स हमारे 6 हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2, यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, आपके फेवरेट, तो अगर कोई भी नंबर आएगा तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है अगर कोई हमने डाइस रोल किया कि 1 या 6 में से कोई नंबर आएगा, 1 2, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ, इसका मतलब 6, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इज 6, इज इक्वल टू 6 और इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। स्टैटिस्टिक्स में इसे बोलते हैं, मैथ में प्रोबेबिलिटी में श्योर इवेंट, अ श्योर इवेंट इज एन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है जिसका कि प्रोबेबिलिटी 5 होता है, नल होता है, 0 होता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग हैपनिंग, दैट इवेंट हैपनिंग इज 0, व्हेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ श्योर इवेंट इज 100%, 1। तो ये आपका आज का एक फाउंडेशन लेक्चर था, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके SSB में जो लेवल होती है वो यही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे वो आपको मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। तो 4 मार्क्स बनते हैं आपके, तो आप हमारे चैनल JKSSB मेंटर्स को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स ला रहे हैं रोज़, तो डेली बेसिस पे हम 3-3, 4-4 वीडियोस अपलोड करते हैं, आप भी हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू JKSSB मेंटर्स, आप नाम याद रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।